नाउ वी विल डू फर्स्ट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फॉर चैप्टर 4 फॉर क्लास 6 इन इंग्लिश. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज हाउ आर फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट डू फेस्टिवल्स मीन टू चिल्ड्रेन. त्यौहार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और बच्चों के मायने में त्यौहार क्या होता है. आंसर है फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे ब्रिंग चेंज एंड गिव अस रिलीफ फ्रॉम द मोनोटोनस रूटीन ऑफ आवर डेली लाइफ. टू चिल्ड्रेन फेस्टिवल मीन्स न्यू क्लोथ्स, डेकोरेटेड मार्केट्स एंड गुड फूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर इज केरला सिचुएटेड, कहाँ है केरला व्यवस्थित. वट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ केरला, केरला के लोगों के लिए उनके प्रमुख व्यवसाय क्या है, उन्हें जीवन उपार्जन का स्रोत क्या है. आंसर है केरला इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी तट पे व्यवस्थित है केरला. द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ केरला इज फार्मिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हेयर इज विच इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, केरला का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा त्यौहार क्या है. व्हाई डू दे सेलिब्रेट इट, इस त्यौहार को केरला के लोग क्यों मनाते हैं. फॉर हाउ मेनी डेज इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ये त्यौहार कितने दिन तक मनाए जाते हैं. ओनम इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, दे सेलिब्रेट इट टू वेलकम द किंग महाबली एंड द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. क्वेश्चन नंबर 4th, हु वॉज महाबली, महाबली कौन थे. वाई डिड लॉर्ड इंद्र बिकेम जेलस ऑफ हिम, भगवान इंद्र क्यों उससे जेलस हो गए थे, अर्थात उससे क्यों जलते थे. आंसर है महाबली द किंग ऑफ असुरा वॉज द किंग ऑफ केरला, इंद्र बिकेम जेलस ऑफ महाबली पॉपुलरिटी, उनकी लोकप्रियता से जलन होती थी उन्हें. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, हेयर इज हु केम टू महाबली कोर्ट वन डे, एक दिन महाबली के दरबार में कौन आए. वॉट डिड ही आस्क फ्रॉम महाबली, और महाबली से उन्होंने क्या पूछा, क्या मांगा उनसे. आंसर है लॉर्ड विष्णु केम टू महाबली कोर्ट इन डिस्गाइज ऑफ ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु महाबली के दरबार में आए. ही आस्क फॉर अ पीस ऑफ लैंड एज मच एज ही कुड कवर इन 3 steps, उन्होंने 3 पग भूमि का टुकड़ा मांगा. क्वेश्चन नंबर 6th, व्हाट वॉज महाबलीज लास्ट विश, महाबली की अंतिम इच्छा क्या थी. वॉज इट ग्रांटेड, क्या उसकी अंतिम इच्छा को स्वीकार किया गया. आंसर है हिज लास्ट विश वॉज टू बी अलाउड टू विजिट हिज पीपल वंस ए ईयर, उसकी इच्छा थी कि साल में एक बार वो अपने जनता से मिलने आए, इसके लिए उसे अनुमति मिलनी चाहिए. हिज विश वॉज ग्रांटेड बाई लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के द्वारा उसकी इस इच्छा को पूरा किया गया. क्वेश्चन नंबर 7th, वट इज कथकली, कथकली क्या है. आंसर है कथकली इज अ मेजर फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस, यह एक क्लासिकल इंडियन डांस है. इट इज़ अ फेमस डांस डन बाय द पीपल ऑफ केरला, केरला के लोगों द्वारा किए जाने वाला यह एक प्रसिद्ध डांस है, नृत्य है. क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन, वट इज स्नेक बोट रेस, स्नेक बोट रेस क्या है. आंसर है इट इज अ लॉन्ग कैनो स्टाइल बोट यूज बाई द पीपल इन केरला टू पार्टिसिपेट इन द रेसिंग कॉम्पिटिशंस इन द बैक वाटर्स. सो नाउ वी विल डू MCQs एंड फीलर्स.
इन दिस सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई फर्स्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स, टू डू एमसीक्यूज एंड वोकैबुलरीज, ट्रू फॉल्स एंड ऑल दैट. ये पहले आपको ट्राई करना है और उसके बाद फिर आप मैच करेंगे जो मैंने लिखाया है उससे. ओके, सो चलते हैं. यहाँ पहला क्वेश्चन है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑल अराउंड द मंथ वीक ईयर. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ईयर. सेकेंड, ओनम इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ, आंसर इज केरला. द फेस्टिवल ऑफ ओनम फॉल्स इन श्रावण भाद्रपद, डैट इज अराउंड सेप्टेंबर अक्टूबर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी. सींग अ डैश मैन महावली वेलकम्ड हिम, ऑप्शन नंबर सी, होली. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राजन आई एम अ डैश एंड माई नीड्स आर फ्यू, ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण. सिक्स्थ, he grew until he was as big as the, option number b, universe. Question number 7th here is, in order to welcome their king Mahabali, the people of Kerala celebrate, option number b, Onam. Now fill in the blanks. Many days are associated with almost all our religious festivals. हम लोगों ने देखा था कि many legends, मतलब बहुत सारी काल्पिक कथा है. लेजेंड्स का मतलब होता है काल्पिक कथा है. मेनी लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द विद ऑलमोस्ट ऑल आवर रिलीजियस फेस्टिवल्स. क्वेश्चन नंबर टू हेयर इज, द पीपल हेयर डिपेंड मोस्टली ऑन डैश एंड डैश फॉर देयर लेवलीहुड, फार्मिंग एंड फिशिंग. थ्री, ऑल आई वॉन्ट इज अ पीस ऑफ लैंड एज मच एज सच एज आई कैन कवर इन डैश स्टेप्स, थ्री स्टेप्स. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, महावली रियलाइज दैट द डैश वॉज नन अदर देन लॉर्ड विष्णु इन डिसगाइज ऑफ ए ब्राह्मण, वामना. फिफ्थ, प्रिपरेशंस फॉर द डैश फेस्टिवल बिगिन मेनी डेज इन एडवांस, ओनम. नाउ मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. The festival of Onam is celebrated for 10 days. First ka D match karna hai. Second, the days are sunny and the air is refreshing. Second ka C. Three, seeing a holy man, Mahavali welcomed him. Arthat third ka E. Fourth, thousands of spectators कम टू वॉच दिस रेस, अर्थात फोर्थ का ए. फिफ्थ, प्रेयर्स एंड पूजाज आर फॉलोड विद लैविश फीस्ट विद स्वीट डिशेस, फिफ्थ का बी. नाउ यू हैव टू राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. इंडिया इज अ लैंड ऑफ म्यूजिक, ये ट्रू है या फॉल्स? लैंड ऑफ म्यूजिक ऐसा मेंशन स्टोरी में नहीं है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ये है मेंशन इस स्टोरी में. सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर वुड बी फॉल्स स्टेटमेंट. सो एफ. सेकेंड, इंद्र इज द किंग ऑफ द देव्स, ये ट्रू है. थर्ड, महावली रियलाइज डैट द वामना वॉज नन अदर दैन लॉर्ड गणेशा इन डिसगाइज, ये फॉल्स है. लॉर्ड विष्णु, नॉट लॉर्ड गणेशा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स वन. नाउ फोर्थ, द वोमैन मेक फ्लोरा रंगोलीज आर द एंट्रेंस ऑफ देयर होम्स, ट्रू है. अपने दरवाजे पे रंगोली बनाते हैं महिलाएं. ड्यूरिंग ओनम ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वियर न्यू क्लोथ्स एंड गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, ये ट्रू स्टेटमेंट है. सेक्शन ई में देखेंगे, अरेंज द सेंटेंसेज एज दे अपियर इन
टेक्स्ट, इसके लिए आपको पूरे स्टोरी को पढ़ना है, स्टोरी को पढ़ करके और देखना है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट आएगा, कौन सेकेंड, कौन थर्ड एंड सेवेंथ तक, ऐसे ही आपको करना है। इट्स योर वर्क, आप करेंगे इसे। नाउ मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। नाउ ये वोकैबुलरी सेक्शन में हम लोग देखेंगे वर्ड का सिनोनिम बताना है। जैसे मोनोटोनस है, मोनोटोनस का सिनोनिम क्या होगा? मोनोटोनस पहले इसका मतलब समझेंगे। मोनोटोनस का मतलब नीरस होता है, हैविंग नो इंटरेस्ट। ओके, तो मोनोटोनस इसके लिए क्या होगा? टेडियस। टेडियस का मतलब भी वही होता है जो मोनोटोनस का मतलब होता है, अर्थात उबाऊ या नीरस। मोनोटोनस नीरस, टेडियस उबाऊ, मतलब एक दूसरे का ये सिनोनिम है, मिलते जुलते शब्द है और उसी को सिनोनिम कहा जाता है। मोनोटोनस का होगा टेडियस। अर्थात वन का डी। सेकंड है रेफ्रेशिंग। रेफ्रेशिंग मींस वन सेकंड का जी होगा, अर्थात इनर्जाइजिंग। रेफ्रेशिंग मींस इनर्जाइजिंग। इनर्जाइजिंग का मतलब ऊर्जा भरना, यानी ऊर्जान्वित करना, वही मतलब रेफ्रेशिंग का भी होता है। सो सेकंड का जी। थर्ड है जेलस। जेलस का क्या होगा? रिसेंटफुल होगा। जेलस मतलब भी होता है किसी से जलना। रिसेंटफुल का मतलब भी होता है किसी को अच्छा न देखना चाहना। सो थर्ड का बी। फोर्थ है लैविश। क्या होगा? सम्प्टुअस। देखिए लैविश और सम्प्टुअस दोनों का मतलब होता है एक्सपेंसिव, अर्थात महंगा। सो फोर्थ का एफ होगा। फिफ्थ है इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब क्या होता है? लागू करना। सो इसके सिनोनिम क्या होंगे? रेटिफाई। सो इनैक्ट का रेटिफाई, अर्थात फिफ्थ का सी। सिक्स्थ है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब दर्शक होता है, ऑडियंस भी होता है दर्शक। सो सिक्स्थ का ए। सेवेंथ इंटायर। इंटायर मतलब पूरा होता है, सेवेंथ होगा। सेवेंथ का ई होगा, अर्थात होल। होल मींस भी पूरा होता है। नेक्स्ट है लुक फॉर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसको भी आपको स्वयं ट्राई करना है, फिर अगर आप कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो इसको देख लेंगे आप। सेंटेंसेस कुछ बनाया गया है यहाँ पे, जैसे सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब मनाना, आप जानते हैं। तो इससे सेंटेंस बनाना है। क्या सेंटेंस बनाएंगे? वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स एवरी ईयर। प्रत्येक साल हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। मोनोटोनस का मतलब नीरस, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया इसको। आई फाइंड दिस सीरियल मोनोटोनस। कोई सीरियल मैं देखता हूँ जो मुझे, आई फाइंड दिस सीरियल मोनोटोनस, यह सीरियल मुझे मोनोटोनस लगता है, अर्थात नीरस लगता है, उबाऊ लगता है। आई हैव नो इंटरेस्ट वॉचिंग दिस सीरियल। ओके, यानी आई फाइंड दिस सीरियल मोनोटोनस। नेक्स्ट है लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है जीवार्पण करना। एवरीबडी हैज टू वर्क फॉर देयर लिवलीहुड। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिवलीहुड के लिए काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है रेफ्रेशिंग। इट इज़ रेफ्रेशिंग टू लिसन सम गुड न्यूज़। कोई अच्छा खबर सुनना वाकई रेफ्रेशिंग होता है, अर्थात इनर्जाइजिंग होता है, अर्थात लोग ऊर्जावान हो जाते हैं अच्छी खबर को सुन करके। नेक्स्ट है टीनी। टीनी मतलब अ वेरी स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत छोटा होना। इट इज़ अ वेरी टीनी क्रिएचर। यह बहुत छोटा जीव है, क्रिएचर है। किंगडम। किंगडम का मतलब राज्य, साम्राज्य। एवरीबडी वॉज हैप्पी इन हिज किंगडम। उनके राज्य में सब लोग खुश थे। इनैक्ट लागू करना। द गवर्नमेंट हैज इनैक्टेड मैनी रूल्स अगेंस्ट ड्रग पेडलिंग। सरकार ने ड्रग पेडलिंग के खिलाफ, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे रूल बनाए हैं। ड्रग पेडलिंग का मतलब होता है नशीली पदार्थों का व्यापार करना। ओके,
नेक्स्ट आप देखिए सी डेवलप द फॉलोइंग इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन वामना एंड महाबली. आप स्टोरी को पढ़ेंगे एंड आप अपने शब्दों में इस कन्वर्सेशन को डेवलप करेंगे. कुछ दिया हुआ है इसको आगे बढ़ा लेना है, ठीक है. नेक्स्ट है ग्रामर इन यूज में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन शुड मे और माइट. अर्थात यू हैव टू यूज मॉडल वर्ब एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फिलर्स. ओके सो हियर द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई थिंक आई डैश टैकल द सिचुएशन अलोन. कुड होगा, मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकता था, अकेले टैकल कर सकता था. अर्थात यहाँ कुड का इस्तेमाल होना चाहिए. नेक्स्ट है इट्स रेनिंग हार्ड, बहुत जोर बारिश हो रही है. यू डैश टेक माई रेन कोट, यू मे टेक माई रेन कोट, तुम मेरे रेन कोट ले सकते हो. मीन्स टू परमिट समवन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए किसी को परमिशन देना, मैं का यूज़ करते हैं. नाउ द डैश कॉन्टेक्ट द मैनेजर टू गेट द टिकट्स. द माइट कॉन्टेक्ट द मैनेजर टू गेट द टिकट्स. टिकट लेने के लिए उन लोग ऐसा क्या करते हैं इसको हम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मैं माइट का यूज़ करते हैं. ओके माइट का यूज जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, मे का यूज जब 50% पॉसिबिलिटी, और मस्ट का यूज जब अप्रॉक्स 100% पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं 50% के लिए, मे का यूज़ करते हैं और माइट लेस देन 50%. ओके तो दे माइट कॉन्टेक्ट द मैनेजर टू गेट द टिकट्स. टिकट लेने के लिए उन लोगों ने मैनेजर से कॉन्टेक्ट किया होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं. द स्काई इज क्लाउडी, इट डैश रेन इन द इवनिंग. ये पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि स्काई कैसा है, क्लाउडी है, बादल छाई हुई है, तो बारिश हो सकती है, ऐसा संभावना है. सो मे नाउ डैश यू स्विम अक्रॉस द रिवर गंगा, और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब यहाँ सवाल किया जाना है, क्या तुम गंगा नदी को तैर कर पार कर सकते हो. तो यहाँ एबिलिटी को बताना है, एबिलिटी पावर को बताने के लिए वी यूज मॉडल वर्ब कैन. सो कैन यहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर गंगा. सो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड इट. नाउ यू हैव टू मेक फेयर कॉपी फॉर दैट. सो थैंक यू.